दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एब्सोल्यूट हेल्थ पर। मैं आपका दोस्त, आपको नाम पता चल ही गया होगा, कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज अपना 6th day है, यानी छठा दिन आज हम लोग है जब लोग कंटिन्यू अपने योगा का एक जो क्लास है वो फॉलो कर रहे हैं। मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है कि आप मेरा जो वीडियोज़ फॉलो कर रहे हैं, घर पर बैठ के कर रहे हैं, आप कमेंट भी कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे करते रहिए। अभी हम लोगों ने क्या करा कि पिछले 5 दिन तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 दिन तो हम लोगों ने किया है अपना, क्या सूर्य नमस्कार, स्ट्रेचिंग, वो सारा किया है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि वो सबसे बेसिक है, आपको करना ही करना है, तो वो मैं आपसे स्किप कर रहा हूँ। मैं अभी सीधा हम लोग करेंगे आज आसन करेंगे। तो अगर आपने वो नहीं किया है तो काम करिए, यहाँ पर इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले जो ना अपना स्ट्रेचिंग और सूर्य नमस्कार कर लीजिए, उसके बाद हम लोग ये योगा पोज पर आप कंटिन्यू करिए। तो चलिए, आज हम लोग जो कुछ आसन जो करने वाले हैं, वो जो आसन है ना वो क्या है, पेट के बल लेट कर करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने क्या करे थे, बैठ के करे थे, लेट के करे थे, खड़े हो गए सब करे थे। अभी हम लोग करेंगे पेट के बल लेट के करने वाले कुछ आसन करेंगे जो कमर के लिए बहुत सही है, खास तौर पे जब कमर का इशू होगी उससे ठीक हो जाता है, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन अभी हम लोग फायदों के अंदर डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आज हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि भाई आसन अपने को सीखने हैं, रूटीन है वो करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पेट के बल लेट जाते हैं। तो आइए, पहले ऐसे लेट जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। और अभी जो पहला जो है उसको हम लोग करें कहते हैं मकरासन। तो उसमें क्या करना है, देखिए उसमें हाथ जो है अपने क्या बोलते हैं इसको, कोहनी को हम लोग थोड़ा सा, ये शोल्डर है थोड़ा सा आगे तक रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, ये जो अपनी चिन है क्या बोलते हैं इसको, ठोड़ी है, उसको यहाँ ऐसे रखेंगे दोनों हाथों को। तो ये रख लीजिए ऐसे, ये रख लिया। उसके बाद क्या करना है, देखिए अभी पांव जो है वो अपने को सिंगल अपने को आगे पीछे करना है, उनको रोटेट करना है, उनको ऊपर नीचे करना है। कैसे करना है, देखिए पहले सिंगल फिर डबल। तो पहले ये किया और सांस अपनी नॉर्मल रहेगी, तो पहले ये करिए, देखिए एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, लेकिन नीचे टच नहीं करना है इसे, ठीक है, ऊपर जो ऊपर रखना है इसको, ये एक आ रहा है एक जा रहा है। जितना हो सकता है ना बॉडी के जो पाँव हैं उनको हिप्स के पास लेके आइए, ठीक है, ये भैया ये, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ पाँव हिलेंगे, बॉडी नहीं हिलानी है, देखो ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना अपने को, ठीक है, ध्यान रखिएगा सिर्फ ये पाँव हिलाने अपने को, ठीक है, ये करेंगे हम लोग 1 से 1.5 मिनट करेंगे। ये होने के बाद अभी क्या करेंगे अपन, सांस ध्यान रखिएगा अपनी नॉर्मल चल रही है, सांस अपने को ना होल्ड करना है ना ही जो है ना बाहर निकाल के होल्ड करना है, नॉर्मल है अपनी जैसे अपन करते हैं। अभी दोनों एक साथ करेंगे, इसमें आप चाहो तो काउंट कर सकते हो 30 बार, आप चाहते हो तो 1 मिनट आप कर लो इसको, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, चलो नॉर्मल कर लेते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आपको 30 बार करना है, मैंने अभी 15 बार किया, आपको इसको 30 बार करना है। ये हो गया, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग करेंगे भुजंगासन। सूर्य नमस्कार के अंदर भी आता है, 7th नंबर का पोजीशन है भुजंगासन, वो हम लोग अभी करेंगे इसके अंदर अभी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले जो हाथ जो है वो दोनों अपने जो ये शोल्डर है अपने कंधे हैं उनके दोनों साइड में आप ऐसे रख लेंगे, और पाँव जो है ना वो अभी ऐसे नहीं रखेंगे, इनको ऐसे रखेंगे फ्लैट, ठीक है। अगर आपको ऊपर है थोड़ा सा योगा मैट प्रॉपर आ जाइए ताकि आप इसको प्रॉपर कर पाएँ। यहाँ पे क्या करना है, सांस को लेते हुए ये वाले पोर्शन को ऊपर उठाना है। तो देखिए सांस लेते हुए होल्ड करेंगे और 10 सेकेंड काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, स्लोली स्लोली नीचे आएंगे ब्रीथ को आउट करते हुए। ये ध्यान रखिएगा इसमें नाभि से ऊपर बॉडी को नहीं उठाना है, तो ऐसे नहीं करना, देखो दो तरीके हो सकते हैं ना, आप ऐसे उठा सकते हो, ऐसे नहीं करना, इसको अपने को बैंड करते हुए ये करना है, ठीक है, ये अपने को करना है। चलिए एक बार और करते हैं, सांस लेते हुए आ जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, स्लोली डाउन।
ये हो गया। अब भी इसके बाद क्या करेंगे अपन? नेक्स्ट जो है वो है अपना ये भुजंगासन था, अगला वाला है अर्ध भुजंगासन। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हाथ अपने आगे नहीं रहेंगे। ये अभी जो किया इसमें अपने हाथ से सपोर्ट लेते ऊपर किया था, उस वाले अपने को सपोर्ट लेना हाथ का, उसमें आएगा अपना हाथ के पीछे से स्ट्रेचिंग करते हुए आएगी। तो कैसे आएंगे देखिए, तो पहले तो क्या करना, लेट जाना आपको ऐसे, ठीक है, और दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेंगे, हाथ को ऐसे पकड़ लेंगे। देखिए ये दोनों हाथ है, इसको पकड़ लिया मैंने, कलाई से मैंने पकड़ लिया दूसरे हाथ को। और फिर क्या करूँगा मैं, सांस को लेते हुए अभी सिर्फ अपर पार्ट को लिफ्ट करूँगा मैं। अभी जो मैंने फेस है चेस्ट है ना, उसको ट्राई करूँगा लिफ्ट करने का, और हाथ ऐसे पीछे की तरफ खींचते हुए करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे इसको, अब देखो शोल्डर पे इशू नहीं आना चाहिए, बैक पे भी नहीं आना चाहिए, हिसाब से करेंगे, ठीक है। और पाँव को ऐसे सीधे स्ट्रेट ऐसे रखेंगे, तो सांस लेते हुए आइए ऊपर ये, और होल्ड करेंगे, हाथ ऐसे रखने नहीं है, ऊपर रखिए उनको हवा में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्लोली डाउन। थोड़ा ये हार्ड है, लगता है बहुत ईजी है, लेकिन इतना ईजी ये है नहीं, हार्ड है। तो थोड़ा इसको हिसाब से करेंगे, ऐसा ना हो कि आपका जो ना जब आप ऊपर खींचते हो ना तो शोल्डर पे अलग तरीके से प्रेशर आता है, क्योंकि वो मुड़ता है एकदम से, तो अपने ऐसा नहीं कि लगेगा अरे क्या हो गया, टूट ना जाए, तो वो चीज़ का इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया अपना अर्ध भुजंगासन। अभी अगला जो हम लोग करने वाले हैं उस योगा आसन का नाम है अपना शलभासन। तो उसमें क्या करना है वो देखिए, अभी हम लोगों ने किया था अर्ध भुजंगासन, उसमें हाथ अपने पीठ के ऊपर पकड़ के रखे हुए थे, अभी पकड़ के नहीं रखना है। अभी क्या करना है, हाथ को साइड में रखना है बॉडी के, देखिए आइए, पसीना भी काफ़ी होता है, देखिए ये हाथ मैंने साइड में से रख लिया। और अभी क्या करना है, मेरे को सांस लेते हुए अपर बॉडी तो लिफ्ट करनी है, लेकिन लोअर भी लिफ्ट करनी है, और हाथ भी मेरे उठाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कैसे होगा देखिए, सांस लेते हुए करना ध्यान के लिए, ठीक है, और सांस को होल्ड भी करना है, आउट नहीं करना, फिर इन करते ही होल्ड करना है। तो सांस लेते हुए ऊपर आएंगे ये, और होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 स्लोली डाउन ब्रीद आउट। चलिए काम करते हैं, एक बार और करते हैं, ठीक है, आइए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ब्रीद आउट। ये इसको करेंगे हम लोग 5 बार, सबको हम लोग कम से कम जो है ना 3-3, 4-4 बार कम से कम इस चीज़ को अपने को करना है। ये हो गया अपना शलभासन। अभी शलभासन किया, अभी करेंगे हम लोग अर्ध शलभासन। तो उसमें क्या करना है, उसमें सिर्फ पांव उठाने हैं, लेकिन कैसे उठाने हैं वो देखिए। ये अब लेते हैं हाथ को दोनों साइड में, और दोनों थाइस के नीचे रख लीजिए ऐसे, थाइस के नीचे रख लिया, और फेस को ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे नहीं रखना आपको, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ऐसे रखेंगे लेकिन पूरा प्रेशर भी उस पर नहीं आएगा। और अभी क्या करना है कि सांस लेते हुए एक पांव को पहले ऊपर उठाएंगे, राइट लेग को, फिर लेफ्ट लेग को उठाएंगे, फिर दोनों को उठाएंगे, ऐसे दो सेट करेंगे। मैं एक एक बार करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए पहले एक बार करते हैं, राइट लेग को उठाते हुए सांस लेते हुए राइट लेग उठाएंगे, ये मोड़ना नहीं, देखो ऐसे सीधा स्ट्रेट रख, जितना उठाते ना उतना उठाना है, मोड़ना नहीं, ध्यान रखना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्लोली डाउन। अभी करेंगे अपन लेफ्ट लेग से सांस लेते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ब्रीद आउट। चलिए सिंगल सिंगल तो हो गया, अभी करते हैं दोनों एक से एक साथ, इसमें है मज़ा, इसमें है थोड़ा सा जोर आएगा। चलिए दोनों साथ में करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्लोली डाउन। तो ये करना है अपने को 3 बार, यानी 3 बार सिंगल सिंगल करना है, और 3 ही बार आपको डबल से भी करना है। तो ये हो गया अपना अर्ध शलभासन। दोस्तों ये हो गया अपना अर्ध शलभासन। अभी एक और करते हैं हम लोग आसन, उसके बाद हम लोग प्राणायाम करेंगे। तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है नौकासन।
अभी आप सोच रहे होंगे यार नौका संध अभी हम लोगों ने किया था एक दो दिन पहले ही, तो उसमें तुम ऐसे उल्टे लेटे होते, ये कैसा है? ये है ऐसा नौकासन जो पेड केबल होता है। तो कैसे करेंगे देखिए, उसकी दो वेरिएशन है। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं दोनों के एक करके दिखा देता हूँ आपको मैं। तो पहले सिंगल सिंगल करते हैं। तो एक काम करिए, पहले हाथ दोनों के सामने रख लीजिए, ऐसे थोड़ा योगा मैट मिल जाएगा, ऐसे कर लीजिए। और उसके बाद क्रॉस लेग और हैंड आपको लिफ्ट करने हैं, यानी पहले हाथ दोनों ऐसे पाँव ऐसे रख लीजिए और सांस लेते क्या करेंगे, जैसे अगर आप राइट हाथ उठा रहे हो ऊपर तो लेफ्ट वाला पाँव ऊपर उठाना है। कैसे देखिए, सांस लेते हुए ध्यान रखिएगा। तो सांस लेते हुए पहले करते हैं राइट हैंड और लेफ्ट लेग से ये, और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीद आउट, अभी उल्टा लेफ्ट हाथ और राइट लाग पाँव अपने ब्रीदिंग करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अपना एक तरीका हो गया। दूसरा, दोनों एक साथ, दोनों हाथ दोनों पाँव एक साथ करेंगे। इसमें क्या करेंगे देखिए, ये ऐसे जॉइन कर लीजिए अभी, क्योंकि वरना ना ऊपर छू जाएगा हाथ। जॉइन कर लीजिए ऐसे, अंगूठे में फंसा लीजिए दूसरे को, और सांस लेते हुए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्लोली डाउन। तो ये हो गया अपना नौकासन पेट के बल। अभी ये अपना हो गया आज के सारे आसन ख़त्म। थोड़ा जो ये रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद हम लोग प्राणायाम्स करते हैं बढ़िया बढ़िया वाले से। लेट जाइए ऐसे साइड में, उठना नहीं है अभी, ठीक है? ऐसे साइड में लेट जाइए, पसीना बहुत होता है, आपको भी हुआ होगा ज़रूर। ओके, अभी ऐसे हाथ का ही सपोर्ट लेते उठ जाएंगे। तो ये हो गए आज के अपने आसन। चाहो तो अगर गला सूख गया तो थोड़ा सा पानी पी सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं बोल भी रहा हूँ कभी रहा हूँ तो मेरा गला सूख जाता है। जब मैं अपनी क्लास में करवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तब भी मुझे पानी लगता है, क्योंकि आप बोलते रहते हो गला सूख जाता है। ये तो हो गए अपने आसन। अभी करते हैं अपन प्राणायाम्स। तो प्राणायाम्स में क्या है, हम लोगों ने सीखे हैं बहुत सारे सीखे हैं। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं उसमें से एक तो है अपना कपालभाति और दूसरा है ओम। तो ओम और शवासन आपको पता है कि वो रोज़ करना है, तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। कपालभाति कैसे करना मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें क्या करना है देखिए, हाथ दोनों स्ट्रेट रख लीजिए। इसमें आप आँखें खुली भी रख सकते हो, बंद भी कर सकते हो। थोड़ा फास्ट होता है, ब्रीदिंग को हार्ट बीट को थोड़ा बढ़ाता है, तो उसके आँखें बंद करके इतना ही अच्छा ना लगे ना कर पाओ, आँखें खोल के करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है? ये करेंगे। और इसमें क्या करना है, पहले सांस ले लेनी है, फिर सांस को पुश करना है, यहाँ पेट को अंदर प्रेस करना है, तो ब्रीद अपनी बाहर आएगी। जितना होता है ना ब्रीद को बाहर 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 करते रहिए उसको, लास्ट जब तक लगे ना कुछ नहीं है पेट के अंदर, कुछ एयर ही नहीं है, पेट पूरा पिचक गया है, तब तक करते रहिए, ठीक है? फिर जब लगे यार अभी हो गया, अब नहीं, अब तो है ही नहीं अंदर कुछ, फिर से गहरी सांस लीजिए, फिर से चालू करिए, ठीक है? इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, बट मैं आपको सिखाता हूँ अभी कि वो जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है। तो पहले सांस ले लीजिए, अभी थ्रो करेंगे ब्रीथ के बाद, और ये पेट है वो पूरा अंदर ही तक जाता है। अगर आपको पेट अगर देखना है कि कैसे अंदर बाहर होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे रख लीजिए, ये देखिए, अभी मैं करता हूँ, देखिए आप इसको, ठीक है? ये अंदर, ये अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो आपको ऐसे ऐसे इसको करना है। चलिए और करते हैं, ब्रीथ इन किया एंड फिर सांस लेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसमें एक चीज़ है, अगर आपको कितनी बार क्या होता है, नहीं होता है, ये लग रहा है इजी कि यार अच्छा मैं तो कर लूँगा, नहीं होता है, ये बहुत हार्ड होता है, बहुत लोगों को बहुत टाइम लगता है। तो क्या करना, सिंपल सा फंडा है, काम करिए, हाथ दोनों यहाँ रख लीजिए और इसको प्रेस करिए अंदर, और जब आप प्रेस करेंगे ना उस टाइम को ब्रीथ को बाहर फेंकना है। जैसे देखिए ब्रीथ इन किया एंड अंदर,
ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आपको प्रॉपर इस तरह से आ जाएगा, वरना क्या होता है ना कि आपको लगेगा यार हो नहीं रहा यार मैं तो मज़ा नहीं आएगा। फिर दूसरा क्या करते हैं, कॉमन गलती क्या होती है ना कि लोग ब्रीद इन और ब्रीद आउट एक साथ करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए आपको जो मेरी ब्रीदिंग में जो साउंड आएगा समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा। तो एक तो मैं वो करता हूँ जो नॉर्मली सही तरीका है, तो वो देखिए एक ये, दूसरा अभी समझ में आएगा आपको, देखिए इसमें दोनों साउंड आ रहे हैं, इनका भी साउंड आउट का भी साउंड, पेट अंदर जा रहा है साउंड दोनों आ रहे हैं, ये नहीं करना अपने को ध्यान, ये बहुत तरीके से गलत तरीके से करते हैं, ये अपने को नहीं करना है। अपना जो साउंड आना चाहिए वो सिर्फ ब्रीद बाहर करने का ही साउंड आना चाहिए। तो ये अपन करेंगे कम से कम 2 से 2.5 मिनट, करते करते आपको लगेगी यार मेरा सिर दुखने लग गया, मेरा भारी हो गया, तो ये होता है, इतनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाती है कि आपका जो ब्रेन बोलता है कि क्या हो गया ये अचानक से, हमारे जो साहब है बॉडी वाले इनको हो क्या गया है, ये क्या आज इतना जो हमको अच्छी चीज़ खिला रहे हैं, ये फील होता है ना किसी चीज़ को खाना दे दो जो कभी खाता ही नहीं, तो क्या बात है आज तो मतलब कितना बढ़िया बढ़िया चीज़ आप मिल गई। तो वैसे अपनी बॉडी को जब हम लोग ये प्राणायाम्स करते हैं ना तो इतनी ऑक्सीजन मिलती है ना कि बोलते हैं क्या बात है, मतलब मज़ा ही आ जाता है उसको। तो इसका 2 से 2.5 मिनट हम इसको करेंगे, उसके बाद अभी लास्ट वाला जो हम लोग करते हैं ये अपना ओम। तो आँखें बंद कर लीजिए, हम लोगों ने पहले कर चुके हैं तो आँखें बंद सीधा करेंगे, आँखें बंद किया, ब्रीद इन एंड आँखें नहीं खोलेंगे, सीधे शवासन में जाएंगे। आप चाहे तो 1-2-3 बार और कर सकते हैं, मैंने 4 बार किया, आपको 7 से 10 बार के बीच में करना है तो आपको जितना टाइम हो आप उतना कर सकते हैं, और लास्ट का शवासन में जाना है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आँखें क्लोज ही रखेंगे और धीरे से अपन बॉडी को लेटाते हुए शवासन में चले जाएंगे। तो शवासन में चले जाइए, रिलैक्स पूरा बॉडी, कैसे करना है एक एक बॉडी पार्ट को आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग के 4 दिन में वही कराया है मैंने आपको कि कैसे रिलैक्स करना है करना है, तो आप वो करिए। अगर आपने वो नहीं देखे वीडियोस तो मैं चाहूँगा कि यार एक बार जाके देखिए प्रॉपर तरीके से ताकि आपको पता चलेगा वो चीज़। 2 मिनट तक इसी पोजीशन में रहिए, बिल्कुल रिलैक्स, शवासन जैसे मर जाता ना वैसे ही है ये शवासन, इसलिए बोलते हैं कि मरा हुआ इंसान है बस, इसके और कुछ बॉडी का पार्ट ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ जो सांस से चल रही है वही बॉडी में मूवमेंट्स है, वही बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट जो है ना ऊपर नीचे हो रहा है। ये होने के बाद फिर अपन हाथ को दोनों को ऐसे बढ़िया से रब करेंगे, आपस में रगड़ेंगे इनको, बस जब तक गर्म ना हो जाए तब तक अपने को रगड़ते रहना है। फिर जब गर्म गर्म धीरे से अपनी आँखों के ऊपर रखेंगे, फिर अपने लाट के ऊपर गाल को फेरते हुए पूरा गले तक लेके जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं, और गले, और फिर धीरे से आइज ओपन कर लेंगे, और अभी उठना नहीं है, ध्यान रखना, अभी अपने क्या करना है टर्न ले लेना बॉडी को ऐसे राइट साइड में, और राइट साइड से धीरे से बॉडी को सपोर्ट देते हुए हम लोग उठेंगे। लास्ट जो अपना जो है स्ट्रेचिंग, एक्स्ट्रा कोई भी गैस वगैरह पेट में रह जाए उसको निकालने के लिए हम लोग जो करते हैं वो दोनों हाथ यहाँ रख लीजिए, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पहले राइट साइड में जाएंगे, फिर यहाँ सांस लेते हुए ऊपर, इसी सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, सांस लेते हुए ऊपर एंड सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ, फिर से सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स। तो ये हो गया आज का अपना योगा क्लास।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ यार आज को आज भी आपको अच्छा लगा होगा, पहले ही आपने देखे हैं आपको अच्छे लगे थे, आज भी उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। आज हमको 6 दिन हो गए हैं और 6 दिन में आपने बहुत कुछ सीखा है, तो मैं चाहता हूँ कि यार ये वीडियोज़ को उन लोगों को भेजिए जो लोग ये करना चाहते हैं, जिनको नहीं पता है शायद, तो यार अपने लोगों को भेजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटे का निशान उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो वो भी मिलते रहेंगे। कि हम लोग 30 दिन तक कंटिन्यू हम लोग योगा करने वाले हैं, 30 दिन अपना जो क्लास है वो चलने वाला है, उसके बाद ही हम लोग और भी बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ये 30 दिन तक हम लोग कंटिन्यू इसी तरीके से योगा क्लास हम लोग ऑनलाइन करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो या क्लास जो ना कैसा लग रहा है, आप कैसा फील करें, मुझे ज़रूर बताइए इस बारे में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और नमस्कार, धन्यवाद।